देखिए 209 बनाए, 290 गेंदों पर 19 चौके 7 छक्के लगाए, ये तो स्टैंड आउट परफॉर्मर हैं। इसके अलावा आज जब बैटिंग करने आए साथ में, लेकिन शोएब बशीर के मैं दिखाना चाहता हूँ कि कुछ, आज देखिए 38 ओवर, आज भी वो एक विकेट ले गए, एक मैडन डाला, 3 विकेट उनको आज ही मिले। और शोएब बशीर को कैसे देखते चिराग? बिल्कुल, देखिए पहला मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से, अपना डेब्यू मैच है उनका, और जिस तरीके की गेंदबाजी है, सबसे बड़ा विकेट कप्तान रोहित शर्मा का निकाल कर दिया था शोएब बशीर ने, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे आगे आने वाली सीरीज के लिए भी, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा बड़ा ये पल है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, और जब खेल स्टार्ट हुआ था आज का, एक तरफ से जायसवाल थे तो दूसरी तरफ अश्विन ने भी 20 रन का कंट्रीब्यूट किया 37 गेंदों पर, लेकिन कहते ना एक जायसवाल सब पर भारी, और पूरे इंग्लैंड की टीम पर ये भारी पड़े हैं। और अच्छी नॉक, लेकिन अश्विन ने भी अच्छा खासा साथ दिया इनका, लेकिन अश्विन जल्दी आउट हो गए। अब अश्विन आउट हुए तो उसमें टीम इंडिया का थोड़ा सा कहते ना कि एक जायसवाल को अटैकिंग क्रिकेट खेलना ही था, ऑब्वियसली बात है, लेकिन यहाँ पर तारीफ इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी करनी होगी, चाहे उसमें एंडरसन हो, शोएब बशीर हो, और एंडरसन ने भी कमाल की गेंदबाजी की है। एंडरसन की जो गेंदे थी उन्होंने बड़ा तंग किया था, और उन्होंने 25 ओवर की गेंदबाजी की, 4 मैडन, 47 रन, 3 विकेट, और एक ऐसा गेंदबाज है वो, जब राजेश खन्ना का डायलॉग नहीं है कि वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है, हालांकि उस दौर में बड़े कमाल की गेंदबाजी करते थे, और इस दौर में भी वैसी ही एक्यूरेसी के साथ एक राइट चैनल पर उन्होंने मतलब 3 विकेट निकाले हैं। तो यहां से संकेत अच्छे हैं इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के पास में 2 पेसर हैं, उसमें बुमराह भी होंगे, मुकेश कुमार भी होंगे। चिराग, बिल्कुल बुमराह है और मुकेश कुमार है, लेकिन अभी तक दोनों ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है ना मोनू, लग नहीं रहा है कि उतनी ज्यादा असिस्टेंस यहाँ पर है तेज गेंदबाजों के लिए। हालांकि जेम्स एंडरसन ने अपनी क्लास की वजह से मेरे हिसाब से वो जो विकेट्स हैं वो निकाल कर दी हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार दोनों ने 2-2 ओवर्स किए, उसके बाद 1 ओवर कुलदीप यादव ने किया, 1 ओवर अश्विन ने किया, 6 ओवर हो चुके हैं। मोनू क्या लगता है यहाँ से, जिस तरीके से 6 ओवर में इंग्लैंड ने 32 रन बना दिए हैं, उनका इंटेंट प्रॉपर है कि हम उसी तरीके से खेलने वाले हैं? और अभी तो जब स्पिन अटैक आया है और ज्यादा स्पिन अटैक आएगा तो वो जो स्वीप्स है, रिवर्स स्वीप्स निकल कर आएंगे, तो टीम इंडिया को परेशानी तो होगी गेंदबाजी में, क्योंकि इतनी ज्यादा मदद नहीं है अभी, क्योंकि हैवी रोलर चलवाया था इंग्लैंड ने, और फिलहाल तो जो उछाल है वो भी एकदम प्रॉपर दिखाई दिया और ज्यादा परेशान किया नहीं है गेंदबाज। नो डाउट, पहले 2 दिन तो वैसी बैटिंग सरफेस रहेगा ही रहेगा, तीसरे या चौथे दिन जाकर ये पिच बदलेगा, और आज हो सकता है लास्ट सेशन में कुछ हरकत करेगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड का जो ड्रेसिंग रूम है वो ज्यादा खुश होगा, ना कि इंडिया, बिकॉज आपने 400 के अंदर इंडिया को रोक दिया है, और वो भी तब जब जायसवाल ने 209 बना दिए हैं, और फिर जब बैटिंग करने आई ये टीम लंच तक 32 बिना कोई विकेट खोए है, तो आई थिंक ये खेमा इंग्लैंड का इस वक्त बहुत खुश होगा, क्योंकि अब देखिए बैच बॉल जब से उन्होंने यूटिलाइज किया है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो जो अभी जो डे 2 का जो सेकंड सेशन होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें कि क्या इंग्लैंड की विकेट नहीं खोए, या एक ही आउट हुआ या 2 आउट हुए, तो मेरे ख्याल से ये स्कोर भी फिर बनेगा, क्योंकि इंग्लैंड को भी पता है, क्योंकि तीसरा चौथे दिन इंडिया कंडीशन में बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सो आई थिंक आज वो चाहेंगे कि अच्छा खासा बोर्ड पर लगाया जाए रन। बिल्कुल, लेकिन मोनू यशस्वी जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे यार, थर्ड यंगेस्ट प्लेयर इंडिया के लिए टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाने वाले, और जिस तरीके से उन्होंने इंटेंट दिखाया है, अकेले 396 में से 209 रन अकेले यशस्वी जायसवाल के हैं, बाकी किसी भी बल्लेबाज ने उतना इंटेंट दिखाया नहीं है, यहाँ पर टिक्के खेलने की जरूरत थी, बाकी सभी आउट हो गए, इस पारी को किस तरीके से देखते हो यार? देखिए मैच डिफाइनिंग रोल उन्होंने प्ले किया है, एक एंड पर खड़े रहे वो, और दूसरे अगर आप देखोगे 65-70 रन अकेले जायसवाल के हैं, और ये एक ऐसी पारी है जिसमें कि उनको उन्होंने सब कुछ दिया, वो टेम्परामेंट, वो क्लास, वो टेक्निक, अगर आप देखोगे तकनीक बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि गेंद की लाइन में आके वो खेल रहे थे, क्योंकि बाकी बैट्समैन को हमने देखा है कि थोड़ा हड़बड़ाहट थी, चाहे आप उसमें भरत हो या फिर आपके रजत पाटीदार, हालांकि ठीक ठाक थे लेकिन वो गेंद थोड़ा सा नीचे रह गया था, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, और शुभमन गिल का भी वो दूर से खेलने का प्रयास किया था, वो आउट हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड की गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस विकेट को उतना मदद नहीं था, बट डिस्पाइट ऑफ देम आई थिंक बहुत अच्छी बॉलिंग की है, चाहे उसमें शोएब बशीर जो डेब्यूटेंट, उन्होंने 3 विकेट झटके हैं, एंडरसन ने 3 विकेट झटके हैं, सो आई थिंक क्रेडिट देना सही है उनको भी, लेकिन इंडिया के लिए भी एंडरसन की हम बात कर रहे थे कि जेमी एंडरसन इकलौते पेसर हैं उनके पास, और उन्होंने काबिल तारीफ गेंदबाजी की है, और ये मुझे लगता है बेन स्टोक्स का मास्टर स्ट्रोक भी प्रूव होगा, क्योंकि पहले मैच में मार्क वुड खेले, उनको कोई मदद इतनी ज्यादा मिल नहीं रही, यहाँ पर नहीं मदद थी,
लेकिन जिस तरीके से जेम्स एंडरसन का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस उन्होंने दिखाया है, आज सुबह से ही, शुरुआत से ही यशस्वी जायसवाल को परेशान कर रहे थे, लगातार बीट हो रहे थे जायसवाल, और उसके बाद फिर जब अश्विन का विकेट गिरा तो फिर तो यशस्वी जायसवाल को ये आर या पार की लड़ाई ही खेलनी थी, उसमें 200 से पहले भी आउट हो सकते थे। और लेकिन ये अच्छी चीज है कि दोहरा शतक अपना पूरा किया और उसके बाद फिर से एक बार फ्लाइटेड शॉट खेलने की कोशिश की, हवा में मारने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि हर बार आपका शॉट 6 रन के पार। और एंडरसन की अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो लेंथ देखिए, आप जिस लेंथ पर गेंद कर रहे थे वो बैट्समैन खींच कर लेकर आ रहे थे, यानी कि फुल लेंथ नहीं कर रहे थे, वो वैसी लेंथ कर रहे थे जो हम कहते हैं ना अनसर्टेनिटी ऑफ कॉरिडोर, कि आप ना उसके बैक फुट पे जा सकते ना फ्रंट फुट पे जा सकते। आई थिंक ये एक्सपीरियंस कभी ना कभी तो मैटर करता है और किया भी है। आप देखिए कि जिस तरीके से गेंद को लहराते हैं, स्पिन जब विकेट मदद नहीं करता तेज गेंदबाजों को, तब भी अगर आप 3 विकेट निकालते हैं, आई थिंक काबिले तारीफ, और 693 विकेट होगी इनकी, अब 693 विकेट होगी इन 3 विकेट के साथ। बिल्कुल, और 693 विकेट के साथ कह सकते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल, ओल्ड इज गोल्ड और एक्सपीरियंस साफ काम आता है, ये चीज एंडरसन ने आज एक बार फिर से दिखाई है जिस तरीके के पेसर है। और 2-3 विकेट्स लिए उसमें, सबसे पहले तो ऑब्वियसली शुभमन गिल का विकेट था उसमें, रवि अश्विन का विकेट था उसमें, यशस्वी जायसवाल का विकेट था, तो ये तीनों ही विकेट ऐसे थे जो बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेजेस पे चाहिए थे इंग्लैंड को, और उन्होंने दिला भी दिए हैं। लेकिन चिराग, अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अब इंडिया की प्लानिंग क्या होगी रोहित की, खासकर अब ये जो सेकंड सेशन होगा, ये कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है, अगर इंग्लैंड ने यहाँ विकेट नहीं खोए और रन बना दिए तो फिर टीम इंडिया दिक्कत में आ जाएगी। यहाँ क्या होगा, आप कैसी अटैकिंग फील्ड के साथ जाओगे, या फिर आप थोड़ा डिफेंसिव, क्योंकि आपको रन भी रोकने हैं, आपको विकेट भी लेने हैं। बिल्कुल, लेकिन पिछले मैच में ना आपको इस चीज का बैलेंस बनाकर चलना होगा। हमने बेन स्टोक्स को देखा है कप्तानी में फील्ड पोजीशन किस तरीके की, लेकिन पिछले मैच में रोहित ने जो गलती की ना, रन भी नहीं रुक रहे थे और विकेट्स भी नहीं मिल रहे थे। तो रन अगर आपको रोकने तो कम से कम आपको सिंगल सेविंग पोजीशन पे तो फील्ड रखनी पड़ेगी ना। अगर आपको सिंगल्स रोकने हैं तो आपको उसी तरीके से फील्ड सेट करनी पड़ेगी। अगर आप सिंगल भी नहीं रोकोगे तो ना विकेट मिलेगी और ना रन रुकेंगे, तो ये चीज मेरे हिसाब से ध्यान में। स्पिनर्स आपको यहाँ पर लगातार गेंदबाजी करवानी पड़ेगी स्पिनर से, तो दोनों एंड से स्पिनर्स लगातार गेंदबाजी करेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि सिंगल्स इतनी जल्दी नहीं देने हैं। और किस पर सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं आपके स्पिन गेंदबाजों की, जब बात करते हैं, क्योंकि वहां से शोएब बशीर ने विकेट निकाले, आप डेब्यूटेंट हैं, तो यहां सर किस पे ज्यादा, अश्विन या अक्षर, या फिर आपको लगता है कि कुलदीप यादव वो कारनामा कर सकते हैं? मेरे हिसाब से अश्विन को ही एक बार फिर से वो संभालनी पड़ेगी बागडोर, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस उनके पास भी है अश्विन के पास, और वो जो है ना एक प्लेयर के मानसिक उससे खेलते हैं कि क्या कर सकता है बल्लेबाज और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से रवि अश्विन को वो भूमिका निभानी पड़ेगी, वेरिएशंस के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बेन डकेट भी होंगे, चाहे जैक क्रॉली होंगे, इसके बाद ओली पोप आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको इतने ज्यादा रिवर्स स्वीप नहीं खाने हैं, स्वीप नहीं खाने हैं, आपको थोड़ी सी लेंथ पीछे भी खींचनी पड़ेगी, उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए कुलदीप यादव को इस टीम में लेकर आए हैं, क्योंकि स्वीप और रिवर्स स्वीप पर थोड़ी सी लगाम लग सके, इसलिए कुलदीप यादव इस टीम में आए हैं।